हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। तो आज के इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूं, जैसे कि आप जानते हैं जियो ने एक इमरजेंसी डेटा लोन सर्विस लॉन्च किया है। तो क्या है इमरजेंसी डेटा लोन, अगर आपको नहीं पता तो आपको आई बटन पर वीडियो मिल जाएगा, जाके वहाँ से आप देख सकते हो। काफ़ी लोग का सवाल रहता है, अगर इमरजेंसी डाटा सर्विस अगर हम यूज कर लेते हैं, बाद में उसको अगर पे नहीं करते तो क्या होगा, मेरा सिम तो बंद नहीं हो जाएगा, मेरा मेन बैलेंस तो कट नहीं जाएगा। तो इसे खुद से पे कैसे करना, इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए, चैनल कर दे सब्सक्राइब और बेल आइकन कर दे, यहाँ पे इसी तरह क्रिएटेड वीडियो मिलता है और मिलता रहेगा। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट। तो चलिए आ गए फोन के स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको जियो एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के पेज ओपन होगा। उसके बाद आपसे कुछ परमिशन मांगा जाएगा, आपको ओनली दिस टाइम पे आपको थ्री डॉट पे जाना है। थ्री डॉट पे जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के पेज ओपन होगा, आपको इमरजेंसी डाटा लोन वाला ऑप्शन पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के पेज ओपन होगा उसके बाद आपको प्रोसीड वाला ऑप्शन पर टैप करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह के पेज ओपन होगा, नाउ मोर वाला ऑप्शन पर जाना है। नाउ मोर वाला ऑप्शन पर जाने के बाद इसका कुछ टर्म एंड कंडीशन है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लिखा हो कि आप जो भी इमरजेंसी लोन लियो, अगर आप पे नहीं करते हो तो आपका सिम या बैलेंस काट लिया जाएगा। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ हाउ लॉन्ग हैव वे पे फॉर ए फाइव इमरजेंसी डाटा लोन पैकेज। यहाँ पर लिखा हुआ जब तक आप जो भी लोन लियो, चाहे 1 GB लियो, चाहे 4 GB या 5 GB लियो, जब तक आप पे नहीं करते हो कभी भी आप इमरजेंसी लोन नहीं ले सकते हो। तो अगर आप पे करना चाहते हो तो आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको क्लियर ड्यू पर जाके आपको पे कर देना है। तो आपको इसी तरह अपना इमरजेंसी लोन को पे करना है। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।